बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। शनिवार को बेगूसराय के बलिया प्रखंड में गिरिराज सिंह पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हाथ चला दिया था। जनता दरबार के समापन के बाद यह घटना घटी। हालांकि उसी समय कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया था। हमला करने वाला शख्स लखमीनिया 25 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद शहजादुज्जम्मा उर्फ सैफी है। इधर गिरिराज सिंह की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह त्रिशूल लेकर खड़े हैं और अपना एक संदेश दे रहे हैं। आप कार्यकर्ता सह वार्ड पार्षद सैफी के द्वारा गिरिराज सिंह पर हमला किए जाने का मामला इस वक्त खूब गर्माया हुआ है। सैफी ने पहले मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और उसके बाद मंत्री पर हाथ चला दिया था। इस मामले ने सियासी तुल पकड़ा है। पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा की, लेकिन गिरिराज सिंह को भी निशाने पर ले लिया। इस बीच गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना प्रोफाइल फोटो चेंज कर लिया है। अपने इस नए प्रोफाइल लुक में गिरिराज सिंह बड़े साइज के एक त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर के जरिए अपना संदेश भी जारी किया है और लिखा है, त्रिशूल हमारा गौरव व स्वाभिमान है। हम आप सब जब त्रिशूल की रक्षा करेंगे तो त्रिशूल से भी हमारी रक्षा होगी। धर्म के रक्षार्थ यह आवश्यक भी है और हमारा कर्तव्य भी है। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया है और साथ ही गिरिराज सिंह को निशाने पर लेते हुए लिखा है, गिरिराज सिंह जैसी मानसिकता के नेताओं का जमकर विरोध होना चाहिए, पर हिंसात्मक प्रतिरोध ठीक नहीं। हालांकि गिरिराज सिंह जैसे नेतागण सिर्फ जुबानी विश्वमन कर हर दिन हिंसा को बढ़ावा देते हैं। आज जो उनके साथ हुआ है उसके जिम्मेदार वह खुद है। उन्होंने खुद दिल से पश्चाताप करना चाहिए। आपको बता दें कि बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में शनिवार आयोजित जनता दरबार के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मुक्का चला दिया था। उनके साथ हाथापाई भी की गई थी। इससे कुछ देर बाद ही प्रखंड कार्यालय के समीप अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री को कोई चोट नहीं पहुंची है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में भी ले लिया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।